नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के लिए राज्यसभा से एक अच्छी खबर निकल कर आई है, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा का जो सत्र है वो शुरू हो गया है, और राज्यसभा का ये जो 252वां सत्र है, तो इसमें जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का भुगतान किए जाने के संदर्भ में केरल के सांसद श्री इलमराम करीम जी द्वारा अपनी बात जो है वो यहाँ पर रखी है। तो जी दोस्तों, केरल हाईकोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है, तो उस फैसले का सम्मान करते हुए ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को उच्चतम वेतन पर हायर पेंशन भुगतान करने के लिए यहाँ पर जो है वो बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो जी दोस्तों, इसी के संदर्भ में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी तरह के अपडेट जो है हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। There is a long pending demand for the revision of pension of whoever is saying associate, please send a slip. Employees Provident Fund Pension Scheme 1995. There are about 65 lakh pensioners in the country who are suffering from this burning issue. They had played a major role in the advancement of modern India. At the time of the introduction of EPS 1995, trade unions and pensioners opposed the scheme since it offered much less benefits compared to contribution made by the workers during their service life. Sir, their argument was favored by Kerala High Court and it was upheld by the Supreme Court, but so far government has implemented the recommendations. So the pensioners organizations and trade unions are the part of struggle. I urge upon the government to take necessary action. Thank you. To implement the court verdict. Thank you, Karim. KTK associate, please send the slip. तो जी दोस्तों, ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को उनके उच्चतम वेतन पर यहाँ पर हायर पेंशन का भुगतान किए जाने के संदर्भ में राज्यसभा में केरला के सांसद श्री इलमराम करीम जी द्वारा अपनी बात जो है रखी गई है। तो जी दोस्तों, राज्यसभा का ये जो 252वां सत्र है, तो इसमें जो है वो 18 सितंबर 2020 को ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को केरल हाईकोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया था, तो उस फैसले के हिसाब से उच्चतम वेतन पर हायर पेंशन भुगतान किए जाने के लिए यहाँ पर केरल के सांसद श्री इलमराम करीम जी द्वारा अपनी बात जो है वो रखी गई है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हम इसी के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले है। तो जी दोस्तों, केरल के सांसद श्री इलमराम करीम जी ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने के लिए 18 सितंबर 2020 को राज्यसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्चतर पेंशन का मुद्दा उठाया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2019 को बरकरार रखा था। सभी पेंशनरों की ओर से उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा। यह जानकारी ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के लिए साझा की जा रही है, तो कृपया इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस जानकारी के बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। श्री इलमराम करीम जी द्वारा राज्यसभा में अपनी बात को रखते हुए कहा गया कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को केरला उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान करने का सरकार को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने का आग्रह किया गया। राज्यसभा में केरल के सांसद श्री इलमराम करीम जी द्वारा कहा गया कि अध्यक्ष महोदय, भविष्य निधि पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन के पुनर्निरीक्षण की लंबे समय से मांग चल रही है। देश में लगभग 65 लाख पेंशन भोगी है जो इस ज्वलंत मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने आधुनिक भारत की उन्नति में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। ईपीएस 1995 की शुरुआत के समय ट्रेड यूनियनों और पेंशन भोगियों ने इस योजना का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें उनके सेवा कार्यकाल के दौरान श्रमिकों द्वारा दिए गए योगदान की तुलना में बहुत कम लाभ दिए जा रहे थे। उनके तर्कों को केरल उच्च न्यायालय ने पसंद किया था और इसे उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था, लेकिन अभी तक सरकार ने सिफारिशों को लागू नहीं किया है।
इसलिए पेंशनर्स संगठन और ट्रेड यूनियन संघर्ष की राह पर है। मैं सरकार से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और कोर्ट के फैसले का सम्मान कर लागू करने का आग्रह करता हूँ। जी दोस्तों, ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को केरला हाईकोर्ट द्वारा 2018 अक्टूबर में जो फैसला दिया गया था, तो उसे जो है वो बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो अपना फैसला जो है वो सुनाया था। तो इसी फैसले का सम्मान करते हुए ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को उनके उच्चतम वेतन पर हायर पेंशन का भुगतान किए जाने के संदर्भ में यहाँ पर केरल के सांसद श्री एलरम करीम जी द्वारा अपनी बात जो है वो राज्यसभा में रखी गई है। तो यह दोस्तों ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के लिए ये राज्यसभा से एक अच्छी खबर निकल कर आई थी, तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।